अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे। ये मैं 3 से 4 साल के बच्चे की फ्रॉक लेके आई हूँ। इसमें यहाँ फ्रिल लेस है, छोटी है, लेकिन ऊपर से ये थोड़ी सी ऐसे लंबी आ रही है ना, ऐसी फ्रॉक है। ठीक, फ्रॉक कह लें, ड्रेस कह लें, कुछ भी कह लें, ये 3 से 4 साल के नॉर्मल बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक होगी। अगर बच्चा बहुत चब्बी है तो ये 2 से 3 साल का कर ले, लेकिन फिर भी इसकी लेंथ काफ़ी है, 3 से 4 साल ही ये होगी। उसको थोड़ा सा आपको खुला करना होगा अगर चब्बी बच्चा है। ये काफ़ी वैसे चब्बी बच्चे की भी पूरी होगी क्योंकि इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर बच्चा बहुत स्लिम है तो वो 4 से 5 साल का भी पहन सकता है। और ये इसके आगे स्लीव्स हैं, ये देखें, दोनों फुल स्लीव्स के साथ मैंने बनाई है। और ऊपर से ये गला, गला अभी आपको लगता होगा कि क्या ये ऐसे तंग सा है, नहीं, जब बच्चा पहनेगा तो ऐसे ये इसका वेट गिरेगा तो ये खुद ही शेप में आ जाएगा। अभी न्यू है ना, तो ये अभी उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई। जब ऐसे बच्चा पहनेगा ना ऐसे, तो ये इसका वेट ऐसे गिरेगा तो इसकी ऐसे शेप हो जाएगी ऐसे। ठीक, और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे उसी तरह गला। और ये मैंने बटन लगाए हैं, एक डिज़ाइन डाला है, और ये नीचे से फ्रिल ऐसे ही आ रही है। ठीक, तो मैं आपकी इसकी बता देती हूँ उसकी मेजरमेंट, फिर भी जैसे मैं हर दफ़ा बताती हूँ, ये एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है मैं वो लेके चलती हूँ। आपने अपने बच्चे के हिसाब से खुद ही उसको बनाना होता है। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, सम टाइम देखते हैं कि एक फ्रॉक देखते हैं तो हमें लगता है ये हमारे बच्चे के बड़ी होगी या छोटी होगी, लेकिन एज उन्होंने आपके बच्चे के हिसाब से लिखी होती है। तो इसी तरह मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने बच्चे के हिसाब से खुद ही देखिएगा। इसकी अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो यहाँ तक 14 इंच है। आपने अपने बच्चे की चेस्ट देख लेनी है वो कितने इंच है, उनके कोई पुराने कार्डिगन से या कुछ किसी भी से, ठीक है ना। और फ्रॉक तो फिर वो बस आपको यहां ही देखना है जरूरी, तो ताकि उससे पूरी हो। बाकी लेंथ जो इसकी आ रही है, ये मेरे पास छोटा इंची टेप है, मैं बड़े वाला लेती हूँ। लेंथ इनकी इसकी तकरीबन 24 इंच के पास पास आ रही है। अगर मैं यहाँ से करती हूँ, यहाँ से और ऐसे करती हूँ, ये तकरीबन 23 एंड हाफ कह लें या 23 कह लें, ठीक है ना, इतनी इसकी टोटल लेंथ आ रही है। और इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ये तो जो मैंने बनाया वो आप सीखेंगे। और बाजू मैं बता देती हूँ, बाजू यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 14 इंच आप कह लें, जब खुलेंगे तो ये 14 इंच रह जाएंगे, ठीक है ना। और इन साइड से यहाँ तक 11 इंच है। और ये बस छोटी सी थी गले का, ये या तो मैं इसको थोड़ा सा स्टीम से सेट कर दूं तो ठीक है, लेकिन मैं करती नहीं क्योंकि बच्चा एक दो दफा पहनता है वो अपनी शेप से फिर आ जाता है ना गला, तो बहुत खुले गले भी अच्छे नहीं लगते पहने हुए, वो ऐसे डीप गले आगे से, ठीक है ना। ये आई होप कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट लाइक हुआ होगा। अगर लाइक हुआ है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें ताकि मुझे आपकी पसंदीदगी का अंदाज़ा हो जाए, और फिर इससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है। यकीन करें कि इन सब को बना के इसको डिज़ाइन करना, फिर इसको रिकॉर्डिंग करनी, एडिटिंग करनी, एक बहुत लंबा मरला है। और आप एक लम्हे का लाइक का बटन नहीं दबाते तो ये फेयर नहीं है, बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आप लाइक का बटन दिखाएं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ आपके कमेंट के जवाब दूँ, लेकिन समटाइम मसरूफियत की वजह से रह भी जाते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको मेरी और वीडियो मिल सके। अब इसके ऊपर मैंने बनाना है हुडी वाली स्लीवलेस हुडी, अब इसके ऊपर बनाऊँगी मैं स्लीवलेस हुडी। और हाँ, वूल, और ये वूल जो है ये मैं एक्चुअली मेरे पास ये 2-3 थोड़े थोड़े यूज बॉल पड़े हुए थे ना, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा बताने के लिए, तो मैं इसका ग्राम में स्केल लेके आई हूँ। और ये मैं जब रखती हूँ तो ये 265 ग्राम, ये देखें, ये आप कह रहे 265 ग्राम तक इसकी वूल लगी है। इसका मतलब अगर आप
250 का ये ले लें और ये 50 थोड़ी सी जो 15 ग्राम तक की आप ये ले लें कि ये गोल्ड लगी हुई है। अगर आपने एक ही कलर लगाना है तो आपको तीन बॉल लेने पड़ेंगे इसके लिए 100 ग्राम के, या आपको 265 जैसे भी आपको कर लें। तो मैंने कहा आपको स्केल से माप देती हूँ, तो ये इसके इतने लगे हैं। और हाँ, ये जो मैंने नीडल यूज़ की थी अभी वो 4 mm की थी, किधर की नीडल। और ये जो नीडल मैंने यूज़ की है ये 4 mm की यूके साइज 8 है, ठीक है ना। और ये तो हो गया इसका, अब इसको कर देते हैं बंद। यानी कि आपको फिर एक दफ़ा आपको ये 250 ग्राम की ये बनी हुई है वोल, और ये थोड़ा सा गोल्ड लगा लें 15 ग्राम वो लगा लें, ठीक है ना। और चलें ठीक है, इसकी जो मैंने वीडियो बनाई है मैं अभी अपलोड करती हूँ। दुआओं में याद रखें और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये मैंने फ्रंट पार्ट इतना बना के रखा हुआ है। वैसे तो अगर मैं एकदम स्टार्ट कर देती तो मेरा मकसद था, ये शायद आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होता कि ये मैंने कैसे इसको बनाया है, तो इसलिए ये मैंने इतना पार्ट बना के रखा हुआ है। ये मैंने 123 स्टिचेस ये लिए हैं, और ये जो पैटर्न है ये यहाँ से लेके इधर से शुरू, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो या यहाँ से शुरू करते हो, यहाँ से बेटर है। इधर से लेके यहाँ, ये इससे पहले और इस जाली से पहले 10 स्टिच में पड़ता है, यानी ये मल्टीपल ऑफ 10 है। यानी अगर मैंने यहाँ से शुरू किया, ये देखिए एक जाली हाफ से यहाँ से लेके यहाँ तक 10, फिर इस राइट ये जो नीट वाले स्टिच से लेके यहाँ जाली तक 10, फिर नीट वाले स्टिच से लेके इस जाली तक 10, इस तरह 10-10 में ये डिज़ाइन पड़ता है। और मेरे पास मैंने कितने पैटर्न हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पैटर्न है। इसका मतलब 120 स्टिच ये थे और इस जाली से पहले 120 स्टिच, और ये 121 हो गया एक एक साइड के। इस तरह मैंने 123 स्टिचेस डाले हुए हैं। तो अभी मेरा मकसद आपको पहले पैटर्न सिखाना है, ये मैंने डिज़ाइन कैसे डाला। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, इस जाली से लेके इस जाली तक इतने हम स्टिचेस, ये कितने हो गए, 22 हो रहे हैं, इतने डाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको पैटर्न को सीखना शुरू करते हैं। जी मैंने ये 23 स्टिच डाले, इसमें मेरे दो पैटर्न बन जाएंगे और एक एक मेरा एक्स्ट्रा था साइड का, और प्लस वन, यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 प्लस वन से ये बनना है, इसमें मेरे दो पैटर्न बन जाएंगे। और ये मैंने 23 स्टिच डालने के बाद इसमें मैंने तीन सिलाइयाँ 1, 2, 3 ओनली ये आउटलाइन की दे दी हैं ये। अब उसके बाद मुझे ये ब्रश कलर का धागे को ऐड करने के बाद चार हम सिलाइयाँ 1, 2, 3 और 4 फिर हम निठी कर लेंगे। उसके बाद ये हमने ये जाली और ये इसको पैटर्न बनाना शुरू करना है। अभी मैं जस्ट ये धागे को ऐड करूँगी, आपके अपने कम्बिनेशन होंगे। अगर आप ये वाला बॉर्डर नहीं बनाना चाहते, एक ही कलर से बनाना चाहते हैं, तो तब आप चार इस तरह 1, 2, 3, 4 रिजेस तक सेम इस तरह सिलाइयाँ डाल लें, ठीक है, बॉर्डर के लिए। अब मैंने ये इसको मैं चार सिलाइयों को निट करूंगी इसी तरह सीधी। ये मैंने 4 सिलाइयां निट कर ली हैं। अब आगे हमने डालना है पैटर्न। अगर आप पैटर्न को गौर से देखो तो ये एक स्टिच के इर्द गिर्द मैंने जाली बनाई है, यानी कि एक स्टिच के इर्द गिर्द 1 और 2 स्टिचेस बड़े हुए हैं, ठीक। जब बढ़ने के बाद यहाँ पे आके मैंने 3 स्टिचेस का एक कर दिया है, यानी कि 2 जो बड़े थे वो यहाँ एक बंद हो गए। बस इसका यही एक सिंपल है, यहाँ से बढ़ेंगे और यहाँ पे कम हो जाएंगे तो ये पैटर्न बनता चला जाएगा। और अब ये मैंने ऐसे करें, अब गौर से देखें, ये मैंने ये पहला स्टिच को वैसे उठा लेना है, इसको मैंने सीधा बनाया, बनाने के बाद धागा आधा किया, क्योंकि स्टार्ट में हमने हाफ जाली से स्टार्ट करना है, इधर हाफ से, ठीक है ना, आदि से एक, मैं सिर्फ एक स्टिच बढ़ा रही हूँ। फिर मैंने जाली आगे करने के बाद 1, 2, 3 स्टिचेस मैंने बनाने हैं, 3 के बाद मुझे इन 3 को 1 बनाना है। वो मैं ऐसे करूँगी, इन 2 को उठाऊँगी, इनको ऐसे सीधा करूँगी और फिर मैं इन 3 को इकट्ठे बना लूँगी। फिर 1, 2, 3 स्टिचेस बनाने के बाद
धागा आगे निट, फिर धागा आगे, और ये यहां मैंने एक बढ़ाया था, यहां तीन का मैंने एक कर दिया था, यहां फिर मुझे दो और बढ़ा लिए हैं। ठीक, अब मुझे करने वन टू थ्री के बाद फिर मुझे तीन को, इसको मैंने ऐसे सीधा किया, इसको ऐसे करने के बाद इसको बना लिया। ओ सॉरी, ये तो बन गया। ओके, अब मुझे वन टू थ्री बना के बाद एक आगे करके ये हाफ जाली बना ली, और एक बनाने के बाद ये इस तरह कर लिया। इसी तरह ये पूरी रो इसी तरह पैटर्न बनता चला जाना। नेक्स्ट सिलाई हमने सारी, नेक्स्ट रो हमने पर्ल बनानी, उल्टी बनानी, उसमें हमने कुछ नहीं करना, ये बस ऐसे ही पर्ल बन जाएगी। ठीक, ये डिजाइन एक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हमने थ्री टाइम ये इसी तरह रिपीट करना है, उसके बाद हमने चार सिलाइयां सीधी सीधी डालनी होती हैं। अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, जब थोड़ा सा और बन जाएगा तो फिर आपको फील होगा। अब नेक्स्ट टाइम फिर हमने इसको मैंने ऐसे उठा लिया, इसको मैंने निट किया, धागा आगे, एक जाली बना ली। ठीक, बनाने के बाद जाली के बाद हमने ये जब धागा आगे करूंगी ना तो मैंने ये काउंट करना शुरू करना है, ऐसे एक दो एंड तीन, तीन काउंट हो गए। अब ये तीन जो है ना इनको मैंने एक बना लेना है, बन गया। अब फिर मैंने एक दो तीन काउंट किए, तीन काउंट करने के बाद धागा आगे, ये जाली, फिर धागा आगे, फिर एक दो तीन, तीन, फिर मैंने इन तीन को, अगर मेरी बहनों को ये सम टाइम पैटर्न को समझ नहीं आती, बनाना मुश्किल लगता है, तो मैं उनको बस यही कहूंगी कि आप अपनी सिलाइयां ले लें, जैसे जैसे मैं बना रही हूं आप उस तरह बनाएं, तो थोड़ी देर में आपके ऊपर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। सम टाइम आप देखते हो तो आपको लगता है आपको समझ नहीं आया, जब आप हाथ से बनाते हो तो वो आप पे ज्यादा क्लियर होता है। तीन बनाने के बाद मैंने ऐसे धागा किया और ये बनाया। अब दूसरी इसकी रॉन्ग सिलाई सारी जो है ना वो पर्ल यानी कि उल्टी ही बनेगी। ये सारी सिलाई ऐसे मैं पर्ल करके बना लूंगी, हो गया। अब फिर हमने थर्ड टाइम रिपीट करना है उसी तरह, ये मैं करूंगी, इसको परे कर दूं ताकि प्रोमिनेंट हो, ये करूंगी, एक निट करूंगी, सीधा बनाऊंगी, धागा आगे, एक दो तीन तक बनाऊंगी, बनाने के बाद इन तीन को मैंने एक कर देना है, ऐसे सीधा, और ये ऐसे हो गया, एक दो तीन मैंने बनाया, धागा आगे, जाली बनाई, बनाया, फिर धागा आगे, फिर एक दो तीन, तीन करने के बाद इनको ऐसे, फिर वन टू थ्री धागा आगे, ये ठीक, ये देखिए तीन दफा हो गया। अब मैंने उल्टी सिलाई, ये सारी मुझे उल्टी बनानी है, पर्ल करनी है, अब ये देखें ये तीन तक, वन टू थ्री, थ्री जाली तक बन गया है, तीन जालियां ही हमने बनानी थी। अब इसके बाद मुझे ये तीन जाली बनाने के बाद एक दो तीन के बाद मैंने चार सिलाइयां सीधी सीधी बनाई हुई हैं, निट की हुई हैं ओनली, उसके बाद फिर यही डिज़ाइन ऐसे ही दोबारा रिपीट हो जाना है। अभी मैं चार फोर सिलाइयों को सिर्फ निट करूंगी, ये देखें ये मैंने
इस तरह फोर रो बना ली है। अब दोबारा से उसी तरह पैटर्न ने रिपीट होना है जैसे मैंने ये सिखाया आपको। यहाँ करेंगे वन नीट करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर थ्री का वन करेंगे, उसी तरह ये पैटर्न रिपीट होगा। और इसी तरह ये मैंने 123 के साथ ये 12 टाइम, ये मैंने 2 टाइम आपको पैटर्न सिखाया, ये 12 टाइम इस तरह पैटर्न डले हुए हैं। डालने के बाद फिर मैंने उसको बस 4 सिलाइयाँ सीधी डाली और सीधा सीधा बनाना शुरू कर दिया। ये सीधा सीधा कितना बनाया, यहाँ अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो ये 7 इंच तक, ये 7 इंच तक मैंने इसको सीधा सीधा बनाया हुआ है। ठीक, अब मैं आपको लिख भी देती हूँ। यहाँ मैंने 123 स्टिच डाले, वन साइड था, प्लीज फ्री 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 12 टाइम ऐसे 10 पैटर्न रिपीट हुए, मल्टीपल ऑफ 10 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 12 तक ये बन पैटर्न के 10 डले, फिर एक प्लस मल्टीप्लस 10 प्लस 1 और प्लस साइड एक मुझे एक्स्ट्रा डालना था जाली के लिए। ठीक है ना, ये हमने 123 इस तरह मैंने डिजाइन बनाए भी हैं। अब इसको आपने 7 इंच तक बना लिया। ठीक, बना लिया। अब मुझे आगे से इनको फिर इस पे ऊपर गोल्ड कलर का धागा लगाना है। अब मैंने यहाँ पे गोल्ड कलर के धागे को ऐड कर लिया और ये मुझे थोड़ा सा इसकी फ्रिल बनानी है, चुनट बनानी है, तो मुझे इसको कम करनी है, लेस करनी है। वो मैं कैसे करूँगी आप देखो, मैंने क्या करना है, ये एक मैंने साइड का वैसे बना लिया, वन मैंने नीट करनी किया धागा सॉरी करने के बाद धागा आगे नहीं सॉरी नीट करने के बाद दो को मैं इकट्ठे बना लूँगी, फिर एक मैं ऐसे ही निट कर लूँगी, फिर दो को फिर मैं निट टुगेदर कर लूँगी। एक मैंने इसी तरह बना लिया सीधा, दो को फिर मैंने बना लिया इसी तरह, वन बनाने के बाद दो को इकट्ठा सारे करते चले जाए तो ये हल्की हल्की सी इस तरह इसकी चुनट आ जाएगी। ये मैंने सीधा आखिर तक हम इसी तरह बनाते चले जाएंगे, सारे मैं इसी तरह काम करूँगी जी। ये मैंने इतने कर लिए, ये नीट टुगेदर नीट दो इकट्ठे, एंड तक मैं इसी तरह चलती जाऊंगी, नीट दो इकट्ठे नीट और ये दो इकट्ठे। मेरे पास टोटल जो है ना वो 83 स्टिच होने चाहिए अगे उसके लिए कटिंग के बाद। चलो अब हम काउंट कर लेते हैं ये कितने हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 83 स्टिचेस ये मेरे हो चुके हैं, यानी कि मैंने 123 स्टिचेस डाले थे। हर दफ़ा मैं साइड का करने के बाद फिर मैंने एक बनाया, फिर मैंने एक को निट टुगेदर कर लिया, फिर एक निट किया, एक निट टुगेदर, इस तरह बनाते बनाते अब मेरे पास ये 83 स्टिच हो रह चुके हैं। ठीक है ना, 83 स्टिचेस। अब मैं इसकी एक सिलाई मैंने डाल ली है, 3 सिलाइयाँ मैं इसी तरह इसकी बनाऊंगी, सीधी सीधी निट निट करके मैं 3 रोज 3 सिलाइयाँ इसकी 83 की निट करूंगी, बस इस तरह आप इसको सीधा सीधा 3 रोज बना लें। ऐसा है ये, अब मैंने 83 को 4 सिलाइयाँ मैंने ये गोल्ड की डाल ली और 4 ही मैंने निट करके ये इसकी ये रस्टी कलर की डाल ली। ठीक है, यानी कि 4 लाइन का यहाँ फिर अगेन बॉर्डर हो गया। और ये अगर देखो तो ये हल्की हल्की सी, जब अब ये बनेगा तो हल्की हल्की सी ये नीचे गैदर चुनट बनना शुरू हो जाएगी। अब मैंने ये किया कि 83 को मैंने 26 इधर और 26 इस साइड पर और मिडिल में 31 के साथ डिवाइड कर लिया है।
मैं आप काउंट भी कर देती हूँ, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13, 13 यहाँ 26 और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 ये और मिडल में 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1, 15, 30 और 1, 31, 31 हो गए। अब हमने ये करना है कि यहाँ से तो मैं सीधा सीधा इसी तरह एक सीधा एक उल्टा इसी तरह लेके जाऊंगी, मिडल में जो 31 है इसमें मैं ये 3 टाइम पैटर्न रिपीट होगा मेरा, ठीक। और ये इस तरह ये फ्रॉक आगे ऊपर तक जाएगी। अभी तो मैं यहाँ तक सीधा बनाऊंगी, यहाँ तक 26 तक मुझे सीधा बनाना है, उसके बाद फिर मैं पैटर्न को रिपीट करूँगी, पैटर्न बनाऊंगी और वही पैटर्न फिर ऊपर तक रिपीट होता चला जाएगा। ये मैं 26 स्टिचेस अभी सिर्फ ओनली निट करके बना रही हूँ और ये मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ। अब ये 83 थे, 83 को मैंने 26 प्लस 31 प्लस 26 कर लिया तो ये मेरे पास इसका टोटल 83 आ गया, ठीक। अब आगे से मैंने इसको फर्दर लेके चलना है, ये मैंने 26 तक बना लिया। अब अगले वो मैं इसका पैटर्न बनाऊंगी, ये मैंने इसको निकाल दूंगी, नहीं निकालना तो आप रख लें ताकि रिमेम्बर हो। चलिए मैं रख लेती हूँ 1, 2। अब मैंने इसका निट किया, निट करने के बाद धागा आगे 1, 2, 3, 3 बनाए, 3 बनाने के बाद मैंने उसी तरह 3 को 1 करके निट करना है, फिर 1, 2 and 3 बनाया, 3 बनाने के बाद धागा आगे जाली बनानी है, फिर धागा आगे, फिर 1, 2, 3 निट किया, ये मैंने ऐसे 1, 2, 3 निट किया, जाली 1, 2, 3, 3 के बाद फिर मैंने 3 को 1 कर लिया और 1, 2, 3 धागा आगे एंड जाली, यानी कि हाफ जाली इधर है, हाफ फ्रंट पे है और मिडल में ऐसे 3 पैटर्न आ रहे हैं, ओके। और ये वाला जो अब है यहाँ से फिर मैंने सीधा सीधा बनाना है और जो मेरी रॉन्ग साइड होगी उस वो सारी पर्ल यानी के उल्टी ही बनेगी, ठीक है। ये सारा मैं ये सारा सीधा बनाने के बाद ये सारा मैं उल्टा बनाऊंगी। ये देखिए मैंने सारी उल्टी सिलाई रॉन्ग कर ली। अब ये वाला पोर्शन तो मैं इस तरह सीधा बनाती जाऊंगी और मिडल के 31 पे इसी पैटर्न को जो मैंने आपको सिखाया है वो बस ऐसे रिपीट होता चलेगा। 3 जाली तक बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ वैसे सीधी सीधी पड़ेंगी, फिर उसी तरह पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा और ये इसको आप बनाते चले जाएंगे। ये देखें मैं 3 पैटर्न को लेके इस तरह और साइडों से सादा बनाते बनाते मैंने इतना बना लिया है। ये कितने टाइम मैंने पैटर्न रिपीट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 दफ़ा ये पैटर्न रिपीट हुआ है। और इसकी लेंथ अब कितनी होगी है अगर आप देखते हो, ये यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये 9 इंच है, 9 इंच का बना है। और अगर इस बॉर्डर को भी साथ में ऐड कर लो तो ये तकरीबन 10 इंच 10 इंच लेंथ हुई है। अगर यहाँ से मैं टोटल देखती हूँ इधर से लेके यहाँ से लेके अगर मैं टोटल रिलैक्स खींचना नहीं होता रिलैक्स फॉर्म में देखती हूँ तो ये 17 इंच बन चुका है, ठीक। अब हमने यहाँ से स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है, यहाँ स्लीव्स के लिए दोनों साइडों से।
उसके लिए मैं कटिंग ये करूंगी, पहले मैं यहाँ से 3 कम करूंगी और इधर से भी 3, फिर 2 2, फिर 1, ऐसे करने के बाद ग्रेजुअली हम कम करते चले जाएंगे। चलिए सब तो सबसे पहले तो हम यहाँ से 3 को कम करते हैं, यहाँ से 1 2 3, ओके। अब बाकी सिलाई मुझे इसी तरह बनाने के बाद मुझे वहाँ से डिज़ाइन को भी बनाना है। चलिए यहाँ तक मैंने बना लिया, अब यहाँ से मुझे डिज़ाइन करना है। ये 31 जो मेरे स्टिच थे ये डिज़ाइन बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया पहले हम हाफ डिज़ाइन शुरू करेंगे। पहले मुझे एक उठा लिया धागा आगे करके, एक जाली बना के 3 बनाए, 1 2 3, ठीक। 3 बनाने के बाद अब मुझे 3 को 1 करना है। इसको 2 को मैंने पहले ऐसे सीधा किया, फिर मैंने ऐसे इसको बना लिया, ठीक। फिर 1 2 3 बनाऊंगी, धागा आगे 1, फिर धागा आगे, फिर 1 2 एंड 3, 3 हो जाएंगे। फिर यानी कि मैंने यहाँ 2 बढ़ाए और यहाँ फिर मुझे ये इन 3 को 1 करना है। एक दफ़ा मुझे एक स्टिच के की 2 जाली बना के 2 स्टिच बढ़ाने हैं और उसके बाद मुझे 3 को 1 करके बंद ख़त्म करना है। 1 2 3, 3 बनाए, 3 के बाद मैंने धागा आगे किया, जाली से बनाया, फिर धागा आगे किया, फिर 1 2 3 बनाए। 3 बनाने के बाद फिर मुझे थर्ड टाइम 3 को 1 करना है, ओके। फिर 1 2 3 बनाऊंगी, धागा आगे करूंगी और हाफ जाली के साथ बना लूंगी। तो इस तरह ये मेरा पैटर्न होगा। पूरी तरह मैं इसी तरह इसको सीधा सीधा बनाऊंगी और वापसी पे मुझे यहाँ पे 3 को बंद करना है। पूरी सिलाई बना ली है। अब ने जब हम उल्टी सिलाई रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे तो हम उसके 3 कम कर लेंगे। यहाँ 1 2 3, 3 मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिए। अब बाकी मुझे सारी सिलाई पर्ल यानी कि उल्टी बनानी है, ऐसे पर्ल करके उल्टा बनाना है। ये मैंने पूरी सिलाई बना ली है। अब हमने 2 कम करने हैं। यहाँ पहले मैंने 3 बंद किए थे, अब मैं 2 बंद कर दूंगी, 1 एंड 2। बाकी सिलाई मुझे इसी तरह बनानी है पैटर्न, और जहाँ पैटर्न आएगा वहाँ डिज़ाइन को उसी तरह रिपीट करना है, ये जो मैंने आपको सिखाया। और जब एंड होगा यहाँ से वापसी पे फिर हम 2 बंद कर लेंगे। ये देखें, अब मैंने पहले 3 बंद किए, 2 बंद किए, इसी तरह यहाँ पे मैंने 3 बंद किए, फिर 2 बंद किए, अब मैं यहाँ से 1 और इधर भी 1 1 बंद करूँगी। और ये इस तरह हमारी स्लीव्स के लिए डिक्रीज होते चले जाएंगे। और मैं लिख भी देती हूँ, ये हमने जब बनाना शुरू कर दिया ये दरमियान में डिज़ाइन है और ये हमारे ऐसे स्लीव्स की कटिंग आएगी, ठीक। ये स्लीव्स की कटिंग पहले मैंने यहाँ पे 3 को बंद किया, फिर 2, इसी तरह यहाँ पहले मैंने वापसी पे 3 को बंद कर दिया था, अब 2 बंद कर दिए, ठीक। अब मैं इधर 1 बंद करूँगी, जब इधर भी 1 बंद करूँगी, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, 3 टाइम। ये कितने टोटल कम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस कम हो गए, ठीक। फिर मैं ये मेरे 9, फिर इस दफ़ा मैं कोई बंद नहीं करूँगी, ये सिलाई मैं वैसे ही डाल लूँगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट सिलाई पे, चौथी सिलाई पे मैं बंद करूँगी, फिर मैं 2 सिलाइयाँ, 4 सिलाइयाँ वैसे डालने के बाद 6 के स्टार्ट पे बंद करूँगी। इसी तरह मैं यहाँ भी ऐसे करूँगी, 4 के बाद मैं कोई, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्टिचेस को मैं कट करूँगी या डिक्रीज करूँगी, ओके। इस तरह
ये दोनों साइडों पे मैं बनाती चली जाऊंगी। उसके बाद फिर हमने दरमियान में नेक की कटिंग भी करनी है, अभी तो हम स्लीव की कटिंग कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से इसी तरह वन वन करके 4 times 1 1 को कम करूँगी, 1 1 1 1 इस तरह कट करूँगी, और साथ साथ मुझे इस डिज़ाइन को भी लेके चलना है। यहाँ मेरी 2 दफ़ा जाली हो गई है, 3 टाइम जाली के बाद मैं 4 सिलाइयाँ वैसे ही बनाऊंगी, फिर मैं जाली नहीं डालूंगी इसी तरह जैसे मैं पैटर्न को लेके चल रही हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे पहले 3 कट किए थे, रिड्यूस किए थे या डिक्रीज किए थे, फिर 2 किए, फिर 1 1 1 1 4 ये हो गए। इस दफ़ा फिर मैंने कोई भी नहीं किया था डिक्रीज, फिर मैंने 1 कर दिया, फिर 1 and 2, यानी कि 4 सिलाइयाँ मैं डाल चुकी हूँ। अब फिर मुझे लास्ट वाला ये करना है कम, जैसे ये मैं 3 2 1 1 ऐसे करने के बाद अब ये लास्ट पे मैं हूँ, ये बस ओनली मुझे कट करना है। अब ये मैं, और यहाँ से मुझे ये करना है, ये देखिए पैटर्न का भी ये इतना हो गया है। अब यहाँ से मैंने ये करना है कि पैटर्न को बंद कर देना है, बस यहाँ पे सीधी सीधी सिलाइयाँ ही डलेंगी, क्योंकि इसका स्क्वेयर गला बनाना चाह रही हूँ मैं, तो पैटर्न को यहीं से फिर उसका साथ ही गला भी हो जाएगा ना, बन जाएगा। अब ये है कि आपने लास्ट वाला मैंने इसको आखिरी वाले को बंद करके ये ऐसे बंद करूँगी। ये मेरे टोटल 11 स्टिच यहाँ पर रिड्यूस हो गए। ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये 15 अब मेरे ये शोल्डर हो गया, ठीक है, ये शोल्डर के लिए हो गएंगे। और ये वाला जो दरमियान में है इनका मैं गला बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं अब इसको मैं सीधा सीधा ही बना लूंगी। अभी मैंने इसको सीधा सीधा ही बनाना है, जब मैं कोई ये थोड़ी सी सिलाइयाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर मिडल में स्क्वेयर इसका मैं कम कर दूंगी, ठीक। ये करने के बाद वापसी पे फिर मैं कम कर लूंगी, और ये वाले तो उल्टे बनेंगे, दरमियान वाला सीधा बनेगा जी। अब ये देखें कि मैंने इतनी सिलाइयाँ 1 2 3 4 5 रिजेस तक सीधी सीधी इस तरह बन गई हैं मेरी। अब मैं दरमियान से स्क्वेयर का गले के लिए कटिंग करूँगी, वो मैं कैसे करूँगी, ये मेरा 15 और ये मेरे जो 15 स्टिच हैं ये तो शोल्डर के लिए होंगे। अब मैं करूँगी 1 2 3 4 5 6 की मैं वैसे इसकी पट्टी बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 साइड के होंगे, 1 2 1 2 1 2 ये मिडल के जो है ना मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मिडल के 15 स्टिचेस को पहले मैंने बंद कर लेना है, 15 स्टिचेस मिडल के मुझे बंद करने हैं। और अब भी यहाँ से अगर आप देखते हो, यहाँ से लेके अगर मैं इसको मापूँ तो ये यहाँ से अगर मैं करती हूँ तो ये तकरीबन ये 12 इंच हाफ 12 इंच ये मेरी इसकी लेंथ हो चुकी है। ये इधर से यहाँ से अगर मैं करती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हाफ 12 तक ये मेरी लेंथ हो चुकी है, ठीक है। अभी मेरा धागा इधर रॉन्ग साइड पे है, मैं 15 स्टिच वैसे बना लूँगी, 15 तो मैं इसके उल्टा उल्टा बनाऊँगी पहले, ये जो मेरे शोल्डर के लिए होंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 15 ये है धागा पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 के बाद मैंने इनको बंद करना शुरू कर देना, ठीक है ना। मैं अब 15 स्टिच बंद करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8
नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह एंड पंद्रह। ओके ये पंद्रह मेरे मिडिल में हो गए। अब आठ मेरे ये रह जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात एंड आठ। ओके आठ मेरे ये हैं, आठ मैंने ये रखे और ये मेरे पंद्रह यहाँ से फिर शोल्डर के लिए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात चौदह और एक पंद्रह। ठीक ये मैंने उल्टे ही ऐसे ही बना लेने। ये देखिए ठीक ये मिडल में। अब मुझे गले का ये वाला पोर्शन सेपरेट बनाना है और ये सेपरेट बनाना है, लेकिन ये जो आठ आठ है ना इसको भी मैंने छः पे रखना है। मैंने दो एक एक करके और बंद कर दूंगी एकदम से दरमियान से, फिर गला बहुत खुला नहीं लगेगा, साइडों से थोड़ा सा और होगा। यानी कि अभी मैं ऐसे पंद्रह बनाऊंगी ऐसे। अब ये जो आठ है ना, आठ को पहले मैं एक दो तीन चार पांच बना के ये इन दो को इकट्ठा बना लेती हूँ, तो एक और मेरा यहाँ से थोड़ा सा इधर को हो जाएगा, एकदम से नहीं वो खुलेगा नीचे से। और ये अब मैं बाकी सिलाई, अब मैंने सात यहाँ पे सीधे बनाने हैं, बाकी मुझे उल्टा यानी के पर्ल बनानी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात मेरे सीधे, बाकी फिर मेरे ये उल्टे हो जाएंगे। ये देखिए अब ये सात है, इस दफ़ा मैं अभी सात वैसे ही बना लेती हूँ, अभी नहीं मैं काम करूँगी, उससे नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब मैं एक और बंद कर लूँगी। तो ये मेरे साइड पे फिर छः रह जाएंगे और साथ में गले। ठीक अभी मैं इसको ऐसे ही बना लिया, नेक्स्ट टाइम मैं एक और काम करूँगी। ठीक यानी कि आप कह लें कि दो सिलाइयाँ मैं वैसे ही डालूंगी, फिर जब और कमिंग थर्ड सिलाई आगी तो फिर मैं बंद करूंगी। दो तीन चार पाँच छ सात बनाए मैंने, बाकी मुझे उल्टा बनाया सारा। ये देखें मैंने बनाने के बाद यहाँ अब मैं एक और स्टिच कम कर दूंगी। वन टू थ्री फोर बनाने के बाद मैं ये फाइव सिक्स एक और बंद कर एक इनको एक दफ़ा और बंद कर दूंगी। तो अब मेरे यहाँ सिक्स रह गया, मैं थोड़े से इसको बस और बनाऊंगी तकरीबन, तो फिर ये हमारा एक अच्छा सा स्क्वायर गला बन जाएगा जी। ये देखें मैंने इस साइड पे इतना बना लिया है, यानी कि अगर आप इधर से काउंट करो ये गले के बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस रिजेस बनी हैं और अब मेरा ये इनफ गला डीप हो गया है, तो मैं यहाँ से बंद कर दूंगी। इधर से मैं अब बंद कर दूंगी और फिर नेक्स्ट साइड मैं सेपरेट बना लूंगी। इन सबको मैं सिंपल वे से ऐसे बंद कर देती हूँ। ये देखें मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ से टोटल इसकी लेंथ भी बता देती हूँ कितनी हो गई है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ यहाँ से, तो ये तकरीबन 16 इंच का ये इसकी लेंथ हुई है। अगर मैं टोटल यहाँ से टोटल इधर से यहाँ से पकड़ के इसको स्लोली स्लोली ऐसे मूव करते देखूँ तो ये 23 इंच की इसकी टोटल लेंथ हो गई है। ठीक है 23 इंच। अब मैं ये वाला भी इधर को धागे को ऐड करूँगी और ये वाला भी मैं इसी तरह, ये आठ है, एक एक करके मैं जैसे इस साइड से कम किए इधर भी कम कर लेती हूँ, तो फिर और इसको रिक्वायर लेंथ तक बनाने के बाद इसको मैं ख़त्म कर दूँगी। अभी तो मैं सिर्फ इसको ऐड कर रही हूँ इस धागे को, नेक्स्ट टाइम मैं इसकी कटिंग करूँगी।
अभी ये पूरी सिलाई स्ट्रेट है, नेक्स्ट टाइम फिर मैं एक कम करूँगी। मैं यहाँ पे इसको एक को बंद कर देती हूँ, तो फिर मेरे साथ रह जाएंगे, फिर अगली दो सिलाइयों के बाद एक और बंद कर दूंगी तो मेरे सिक्स रह जाएंगे। यहाँ मैं एक वन एंड टू यहाँ बंद कर देती हूँ। ठीक, अब मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सेवन रह गए। फिर मैं दो के बाद एक और बंद कर दूंगी और ये इतना बना लूंगी तो ये गला मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें मैंने ये भी बना के बंद कर दिया और इस तरह ये गला ये ना वो टोटल स्क्वायर है ना टोटल गोल है, ऐसे बन गया है। जब इसकी ऐसे आउटलाइन करेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा गला बन जाएगा। और जैसे मैंने बताया इसकी टोटल लेंथ 23 इंच हो चुकी है और ये मेरे स्लीव्स के लिए ये देखें ये ओके। अब ये तो हो गया फ्रंट पार्ट। अब बैक पार्ट हमने जैसे मैंने ये फ्रंट बनाया था उसी तरह का ये मैंने बैक पार्ट ऐसे बना के रखा हुआ है ओके। उसमें ये कि फिर जैसे ये बताया था ये 26 है, ये 31 है, फिर ये 26 है। अब हमने पीछे से ये करना है। यहाँ तो मैंने तीन मैंने पैटर्न बनाए थे। अब बैक में मैं ये करूँगी कि मैं मिडल में बटन पट्टी बनाऊंगी यहाँ से टोटल और एक एक बस पैटर्न इस साइड में डालूंगी, यहाँ बनाऊंगी एक पैटर्न और मिडल में ये 9 की बटन पट्टी बन रही है। असूलन तो मैं 7 की बनाना चाह रही थी लेकिन वो एक एक अगर मैं एक एक स्टिच इधर करती हूँ तो 7 भी बन सकता है वैसे। चले 7 की कर लेते हैं, वो 9 की बटन पट्टी बहुत बड़ी लगेगी फिर वो नॉर्मल लगेगी। ठीक है, मैं ये 7 के बटन पट्टी करूँगी, 12 मैं ऐसे ही ये और ये वाले 26 मैं आपको काउंट भी कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 26 है और ये इनके बिटवीन मैंने मार्क किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 का और फिर ये 7 1 2 3 4 5 6 7 फिर ये 12 फिर ये 26 इस तरह है। अब हम ये करेंगे कि मैंने हाफ हाफ पोर्शन पहले बनाना है। यहाँ से अगर मैं धागे को ऐड करूँगी यहाँ से यहाँ तक तो मैं सीधा सीधा ही बनाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ सारा बाकी सारा प्रोसेस कर लिया हुआ है। मैं इधर से नोट कर लेती हूँ इसको। यहाँ तक तो मैं सीधा सीधा बनाती हूँ जी। ये मैंने इतना बना लिया है इस मार्क तक। ठीक, ये तो मेरे साइड के वजह से चले आ रहे थे। अब मैंने मार्क निकाला, अब मुझे एक पैटर्न डालना है यानी कि उसको मैंने पैटर्न को इस तरह डालना है कि ये हाफ स्प्लिट होगा फिर यहाँ ये वाला पोर्शन मुझे ऐसे बनाना है। ठीक, उसके लिए मैं ये करूँगी 26 के बाद यस ये मैं 12 है ना 1 2 3 4 5 ये अब मैंने एक बनाया धागा आगे किया 1 2 3 तीन के बाद मैंने तीन को इकट्ठे बना लेना है, तीन को एक करके बना लेना ओके। फिर 1 2 एंड 3 तीन करने के बाद मैंने धागा आगे किया और ये एक बना लिया। ठीक, और ये मेरा एक वैसे ही बन गया साइड का और ये मेरी बटन पट्टी इस तरह करते हैं कि हम इसके साथ बना के चलेंगे। यहाँ पे मैं 7 बटन पट्टी के ऐड कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ओके, 7 मेरे ऐड हो गए। अब मैंने यहां से इसको ये 7 बटन पट्टी को तो मैं सीधे बनाऊंगी, ये मैं केयरफुली आपको बनाने पड़ेंगे ये जरा थोड़े से इनको मैं ऐसे सीधा बनाऊंगी 2
तीन चार पाँच छः एंड सात। सात बनाने के बाद फिर ये बाकी मैं यहाँ मेरा उल्टा आएगा सारा। ये सारी सिलाई मैं उल्टी बना लूँ। मैंने बनाने के बाद ये 26 स्टिच उसी तरह बना लिए हैं। यहाँ फिर मेरा पैटर्न है, एक पैटर्न जो मैं बनाने लगी हूँ, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। मैंने एक बनाया, धागा आगे किया, एक दो तीन के बाद मैंने इनको तीन को इकट्ठे बना के ऐसे कर लिया, फिर एक दो तीन के बाद मैंने जाली बना ली ऐसे, और ये मेरा ऐसे, और बाकी ये मेरे बटन पट्टी के साथ एक दो तीन चार पाँच छः एंड सात। ठीक, ये ऐसे मेरी बटन पट्टी एक्स्ट्रा इधर ऐसे ओवरलैप, ऐसे ओवरलैप हो जाएगी। ठीक, इस तरह मैं सेपरेट एक पैटर्न के साथ बनाती जाऊंगी, और जैसे यहाँ का मिडल पैटर्न था वो बटन पट्टी चला आ रहेगा और ये बैक साइड होगी। अब बस इसी तरह बनाते जाएं जैसे मैंने आपको फ्रंट पे बताया है। जी, ये देखिए मैंने इसकी बैक से वन हाफ ये ऐसे बना लिया है, ये ऐसे ये बटन लग जाएंगे, और ये पीछे से छोटा सा ऐसे उसी तरह का स्क्वायर गला छोटे वाला बना है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ये 26 ये हैं, 11 स्टिचेस पे ये मेरा, 11 स्टिचेस पे मेरा ये डिज़ाइन पड़ा है, और ये 7 मैंने पट्टी के एक्स्ट्रा बनाए थे, तो इनके साथ जो ये यहाँ 12 स्टिच, ये 12 थे ना, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह पे मेरा ये हुआ था डिज़ाइन। ठीक, और ये वाला स्टिच जो ये मैंने बटन पट्टी के साथ ऐड करके यहाँ भी इसी तरह आठ के साथ मैं बटन पट्टी बनाती चली गई। ठीक, अब ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, उसी तरह जितनी फ्रंट की थी मैंने बनाई उसी। अब मैं यहाँ से मुझे बटन होल भी बनाने हैं थोड़ी थोड़ी गैप के बाद, और ये साइड भी बनानी है। यहाँ से मैं धागे को ऐड करूँगी और स्टार्ट करती हूँ। पहले सात बटन पट्टी के जो मैंने रखे थे और एक साथ में मैंने दूसरी तरफ से ऐड कर लिया। इधर मैं इतना धागा रखती हूँ, यहाँ से सिलाई के काम भी आ जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ये हो गए, ये मैंने निकाल के आठ वाला मैं इधर बटन पट्टी के एक और ऐड कर लूँगी सात। ठीक, इसी तरह मैंने इधर से, अब ये जो 11 रह गए हैं इन पे मुझे डिज़ाइन डालना है, एक डिज़ाइन वो उसी तरह मैंने एक बनाया, धागे आगे करूँगी, एक दो तीन, तीन के बाद मुझे इन तीन को इकट्ठे बनाना है। तीन को मैंने ऐसे इकट्ठा बना लिया, फिर एक दो तीन के बाद मैं धागा आगे करूंगी और ये इकट्ठा बना लूंगी, और ये बाकी मुझे रेस्ट ऑफ सीधे इसी तरह सीधा उल्टा बनाने हैं, निट पल करके ये सारे मेरे इसी तरह, और रॉन्ग सिलाई पे उल्टी साइड पे मैं सारे उल्टे बनाऊंगी। फिर ये बटन पट्टी के आठ मुझे मैं इसको सीधा करूंगी, नीट बनाऊंगी। अब फिर मुझे दोबारा आठ मैं बटन पट्टी के बनाऊंगी। इस पहले वाले को मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ, इसको मैं शिफ्ट कर लूँगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात एंड आठ, ये मेरी बटन पट्टी की हैं। अब फिर दोबारा पैटर्न, एक मैंने बनाया, धागा आगे किया, एक दो तीन, ठीक, तीन के बाद मुझे तीन का एक इकट्ठा बना लेना है ऐसे करके,
फिर एक दो तीन, तीन के बाद धागा आगे, फिर ये ऐसे पूरा नीट। इसी तरह ये मैंने इस पैटर्न को बनाते चले जाना है और कुछ कुछ देर के बाद हम इसके बटन होल भी बनाएंगे। अभी देखें यहाँ पे मेरी सिर्फ एक रिज हुई है। ऐसा हम करते हैं कि मैं एक दो तीन चार के बाद जब चार बना लूँगी इधर यहाँ, तो मैं यहाँ एक बटन होल इस साइड पे बना लूँगी, ठीक। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद एक बटन बना लूँगी। इस तरह हर 12 के बाद मैं बटन होल बनाती चली जाऊँगी। अभी मैं यहाँ पे एक पे हूँ, तीन और बना के मैं आपको बटन होल बनाना बताती हूँ। देखें मैंने 3 टाइम ये मेरे जाली के साथ डिज़ाइन बन गया है। अब मैंने 4 सिलाइयाँ तो वैसे ही डालनी है, 2 मैंने बना चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने अब एक बटन होल बनाना है। ये देखो 1 2 3 4 रिजिस तक ये मेरा बन चुका है। यहाँ पे मैं बटन होल एक बना लूँगी, 1 2 3 4 बनाने के बाद धागा आगे करूँगी और 2 को इकट्ठे बना लूँगी, तो मेरा ये एक जाली वाला बटन होल बन जाएगा। बाकी मैंने उसी तरह डिज़ाइन को, पैटर्न को साथ लेके बनाना है, ठीक। अभी तो मेरी ये 3री सिलाई सीधी बन रही है, उसके बाद 4th बनेगी और दोबारा से पैटर्न रिपीट हो जाएगा। इसी तरह मैं इतना बनाती चली जाऊँगी। ये देखें मैंने इसी तरह एक पैटर्न को बनाते बनाते यहाँ इतना बना लिया है। कितने टाइम जहाँ पैटर्न रिपीट हुआ है वहाँ, यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम शुरू हुआ और 11 में ये बनने लगा है। लेकिन अब मैंने बस इतना ही बनाने थे। अब हमने ये करना है कि मैंने यहाँ तक ये जो मेरे 15 है ये मैं ऐसे सीधे उल्टे बनाऊंगी और यहाँ तक मैंने यहाँ भी सीधा सीधा निट निट ही करना है, ठीक है। अब मुझे इस तरह ये देखें कुछ सिलाइयाँ मैं यहाँ हूँ, 1 2 3 4 स्टिच पे मैं इसको बंद कर दूंगी और ये इस तरह छोटा सा मैं गला बनाऊंगी। ये देखें मैंने 1 2 3 4 5 6 रिजिस तक ये मुझे बना लिया है और यहाँ एवरी, यहाँ बटन होल बना था, एवरी 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद फिर एक और बटन होल बना, ठीक है। इस तरह हर सारे मैंने 12 के बाद इसके बटन होल बना लिए थे। अब ये करना है कि मुझे यहाँ से इसके गले के लिए ऐसे इस साइड पे मैंने कम किए ये बंद करनी है। उसके लिए मैं ये करूँगी कि सबसे पहले मैं 11 बंद करूँगी, 11 को बंद करूंगी और 8 रिमेनिंग रहने दूंगी। फिर मुझे 6 पट्टी है, फिर अगले एक एक करके मैं 2 और कम कर लूंगी। अभी मैंने 11 को बंद कर देना है, 11 को मुझे बंद कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, ठीक। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 तो मेरे पास वो उसके हैं और 2 मैंने अभी और बंद करने हैं। अभी तो मैं ये पूरी सिलाई सीधी बना के दूसरी सिलाई बना के आती हूँ। ये देखिए मैं बना के आ गई। अब मैंने एक और बंद करना है, मैं ऐसे करूँगी, एक वैसे उठाने के बाद 2 को इकट्ठे बना लूँगी। अब मेरे पास ये टोटल 7 रह गए जो कि मुझे एक और काम करके 6 रहने देने हैं। अब ये 2 4 अब ये नेक्स्ट टाइम मैं एक और बंद कर लूँगी। अब एक मुझे ये नेक अब और बंद करना है। अब फिर मैं करूँगी और ये 2 को इकट्ठे बंद कर दूंगी और ये मेरे पास 2 3 4 5 6 रह गए पट्टी के, ठीक है ना। अब मैं इसी तरह इसको लेके चलूंगी और बाद में ये सारे बंद कर दूंगी। जी ये देखें मैंने इतना बनाने के बाद बंद कर दिया। अगर आप देखते हो तो ये टोटल ए, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 के बाद मैंने इन सारों को बंद कर दिया। अब मेरे फ्रंट और बैक पैनल ऐसे दोनों रेडी हो गए हैं, ठीक।
और इनको मैं अब यहाँ से ऊपर से इसके यहाँ शोल्डर से ऐसे सिलाई कर लूँगी। ठीक, ये अब स्लीव्स, स्लीव्स के लिए ये मैंने किया है कि 39 स्टिच लिए हैं, एक कम 40, और उसी तरह 31 में जैसे ये मैंने फ्रंट के मिडल में 31 में डिज़ाइन डाला था, 31 पे ये डिज़ाइन हो गया, 4 इस साइड पे रह गए, 4 इस साइड पे रह गए, और हर छठी सिलाई में, हर 6 सिलाई के स्टार्ट में ये मैं इधर से बढ़ाती चली गई। जब मैंने तकरीबन यहाँ पे ले बढ़ा, जब मैंने तकरीबन इतना बना लिया, कितना, यस, जब मैंने तकरीबन 2 इंच बना लिया, जब ये 2 इंच बन गया था इसके साथ तकरीबन, तो फिर मैंने यहाँ से 1 स्टिच बढ़ा लिया और इस साइड से भी बढ़ा लिया। इसी तरह 2, 4, 6 सिलाई के स्टार्ट में मैं इसको बढ़ाती चली गई। ठीक, और ये मेरे मैं आपको बता देती हूँ, 39 मैंने स्टिच डाले, 31 पे पैटर्न बना, 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे रह गए, एवरी यहाँ से मैंने एवरी, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे मैंने एक बढ़ा दिया। ठीक, फिर 4 छठी सिलाई है, एवरी 6 सिलाई के स्टार्ट में मैं से बढ़ाती चली गई, 13 इधर इंक्रीज हुए, 13 ही इस साइड पे इंक्रीज हुए। तो ये मैंने 39 शुरू किए थे, जब तक मेरे 9 डिज़ाइन कंप्लीट हुए उस वक्त तक ये 65 टोटल हो चुके थे। ठीक, और आपको मैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे जब ये मेरे 65 स्टिच हो गए थे, तो फिर मैंने इधर से बंद करना शुरू कर दिया। वो कैसे, 3 इधर से बंद किए, 3 इधर, 3 इस साइड से, 3 इस साइड से, इसी तरह मैंने 3 करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम इधर से और 7 टाइम इधर से करने के बाद ये मैंने टोटल बंद कर दिए और ये मेरी इस तरह स्लीव्स कंप्लीट हो गई। स्लीव्स की टोटल लेंथ जो बनी वो 14 इंच है। अगर मैं यहाँ से इसको लेती हूँ यहाँ से, तो ये 14 इंच तक बनी है। ठीक, और यहाँ से बिफोर ये, अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो ये 12 इंच है तकरीबन, 2 इंच में ये कटिंग में आ गया। ठीक है, और इस तरह ये आप स्लीव्स बना लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये मैंने आपको पैटर्न किस तरह 31 पे ये डाला ये भी सिखाया हुआ है, तो आप आसानी से इसको बना लोगे। ठीक है, अगर आप अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा, करने के बाद मैं सारा सीलूंगी और ये मेरी फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, मैंने उसी तरह जैसे मैंने आपको बाजू बताई थी उसको बना के ऐसे सी लिया है ये, और दूसरी बाजू भी ऐसे सीली हुई है, साइड भी सिल गई है और ये ऐसे ऐसे फ्रॉक सी बन गई है, और ये इसकी बैक साइड, ये बैक साइड पे ऐसे इसके अभी बटन लगेंगे। ये मेरे पास सेम कलर के मुझे बटन नहीं मिले, लेकिन ये मुझे गोल्ड मिल गए हैं, तो फिर मैंने कहा ये गोल्ड भी अच्छे लगेंगे ना, ये ऐसे, ये मैं इसके 5 बटन लगेंगे तो ये मैं इसके बटन लगा लूँगी। और एक बात जो मैं यहाँ स्लीव्स पे लिखना भूल गई वो ये था कि जब मेरे 9 डिज़ाइन हो गए थे और 13 और 13 इधर से दोनों साइड से इंक्रीज हो गए थे और ऊपर यहाँ मेरे पास 65 स्टिचेस हो चुके थे, अगर आपके 65 से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि अगर सपोज 67 या 16 कुछ भी हो जाता है, तो परेशानी की बात नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी लेंथ पूरी हो। और ठीक है, अगर बच्चा, क्योंकि मैंने इसके बाजू के फ्रॉक ज़रा थोड़े से स्मार्ट बनाए हैं, खुले बाजुओं के साथ अच्छी नहीं लगनी थी, लेकिन ये काफ़ी बच्चे की बाजू के हिसाब से फिर भी काफ़ी खुली होगी ना, तो यहाँ अगर बढ़ भी गए हैं तो डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ वो एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक, ऐसे, और जब हो गए थे तो फिर मैंने इधर से ऐसे कटिंग शुरू कर दी दोनों साइडों से, ऐसे कटिंग, तो क्या किया मैंने, 3 एक दफ़ा कम किए, फिर 3 इकट्ठे कम किए, वापसी पे इधर से 3 कम कर लिए, फिर वापसी पे इधर, ठीक, फिर मैंने 3 कम किए, फिर 3 कम किए, 3, 1, 2, 3, 4 ये 7 टाइम कम हुए थे।
1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक, यानी कि 3-3 करने के बाद जो रिमेनिंग थे फिर मैंने सारे इकट्ठे बंद कर दिए थे और ये बाजू की शेप आ गई थी. ठीक, और ये तो जो मैंने बताना भूल गई थी. अब ये है, ये देखें, ये गला पीछे से लेफ्ट बैक है. और एक बात जो मैंने एक और बतानी थी, ये पीछे से मुझे पैटर्न है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पैटर्न पे ये फिर गला बनना शुरू हुआ था नेक. ठीक है ना, लेकिन फ्रंट पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पैटर्न पे, यानी कि बैक वाला जो नेक है वो एक पैटर्न ज़्यादा डला था तो बना था, और ये 9 पैटर्न पे बना था. एक ये बात मैंने नोट करवानी थी आपसे, आपको. और आई होप के बाकी तो मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ. बटन लगाऊंगी. हाँ, अब ये देखें, जैसे कि मैंने बाजुओं पे गोल्ड आउट लाइन लगाई है, नीचे लगाई है नीचे, इसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर मैं स्लीवलेस हुडी बनाने वाली हूँ. ठीक है, तो उसकी वजह उसमें मैंने गोल्ड और ये कलर यूज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ यूज़ किए. तो अब ये को नेक जो है ना, एक तो वो थोड़ी सी चॉप सी फील हो रही है और ऊपर से मैं गोल्ड कलर भी आए, तो उसका मैं ये उठाऊंगी कि आराम एक एक दफ़ा स्टिच उठाऊंगी और वापस उसी को बंद कर दूंगी, तो गोल्ड जैसे ना आउटलाइन पाइपिंग सी फील हो जाएगी. यहाँ से अब मैं इसको उठाना शुरू करती हूँ ये. ठीक, आपने एक लिया और यहाँ से हर एक स्टिच को एक साइड से ऐसे इसको बनाना शुरू कर देंगे. ओहो, 2, फिर ये अगले स्टिच पे ये 3 ऐसे, 4 ये 5, 6 7 बहुत मैंने ना एक साइड से उठाना शुरू कर दी हूँ, और जितना बारीक छोटा छोटा आपसे उठाया जाए. यह बस हर एक स्टिच के साथ गोल्ड को ऐसे मैं बस उठाती चले जाऊंगी. यहाँ मैं एक उठा लेती हूँ. अब ये इनमें आप ऐसे हर ठीक ये ऐसे बस आप उठाते चले जाओ. अब इसी तरह ये हर एक ऐसे इस पे से आप ऐसे उठाते चले जाएंगे. यहाँ ये जो मिडल पोर्शन है मेरा, आप देखिएगा कि इसको इसका स्टिच ना ये चेन सी आ रही थी ना, तो मैं इस साइड से इन अंतर की साइड से ये जो है ना वहाँ से उठा रही हूँ ताकि चेन भी रहे. अगर मैं ऐसे नहीं करती तो चेन ने फिनिश हो जाना था और ये एरिया इतना नीट नहीं लगना था. ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक चीज़ को नीट बनाती है ना. ये एक देखिए इन साइड से ये चेन की अंतर की साइड से. ठीक है, बस ये मैंने आपको नोट करवाना था. आप बस इसी तरह उठा लें और बाकी ये यहाँ जब आओगे इस एरिया में तो वो तो वैसे ही डल जाएंगे, वैसे ही उठाए जाएंगे. ये देखें मैंने सारे ऐसे इसके स्टिच उठा लिए हैं. अब मैं बस यहाँ से उठाने के बाद इधर से बंद करना शुरू कर दूंगी रॉन्ग साइड से, उल्टी साइड से, तो ये एक अच्छी सी आउटलाइन बन जाएगी. बना लेती ऐसे, बहुत टाइट ना कीजिएगा, बहुत लूज हैंड भी नहीं हो आपका, बस कोशिश करें मिडल के हैंड में ही आप इसको बंद कर लें. वैसे तो पीछे बटन है और वूल में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये ना हो क्या बहुत टाइट बंद करते हो नेक छोटी हो जाए. ठीक, अब आप इसी तरह एक एक करके इसको बंद करते जाएं. ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए एक अच्छी सी आउटलाइन आना शुरू हो गई है. आज मैं सारों को बंद कर देती हूँ. ये देखिए आउटलाइन आ गई है. ये लग रहा होगा कि ये जब ये बच्चा पहनेगा ना तो ऐसे ये खुल जाएंगे और ये उसकी शेप अच्छी हो जाएगी.
अभी नया नया बना है, जब ये पहनना शुरू करते हैं तो बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। बस अब मैं इस पे बटन लगा लूँगी और ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। ओके, इजाज़त दें, दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।